हाय बैठी। नाम दानियल दानियल जलीन। जी ठीक। दानियल आजकल तबीयत कैसी है आपकी? के सामने हूँ, बाकी रहा मेरे तो। नहीं यार, मेरे कहने का मकसद है कि कहीं आपको। बुखार, नज़ला, खांसी, गले में खराश, जिस्म में दर्द तो नहीं? ये पूछना था ना आपने। काफी ज़हीन हैं आप, ये एक सवाल 1,000 बार हो तो कोई भी हो जाएगा। तो सवाल के 1,000वीं बार जवाब भी दे दें। नहीं, बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द कुछ नहीं। ठीक। अच्छा, किसी किसी बाहर बाहर वाले वाले। से कोई रابطہ नहीं, ना हाथ मिलाए ना बात की, और अगर हाथ मिला भी लिए तो सामों से रगड़ रगड़ कर धो लिए। ठीक। अच्छा, अब अब बेहतर ये होगा कि मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया ना करूं, और उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप मेरा वक्त ज़ाया ना करें। इस कमरे के बाहर बोरियत, फरागत और खुदकुशी के ख्याल मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ। इतने दिन क्वारंटीन और आइसोलेशन में रहने के बाद किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मेरा दिमाग खराब है? देखिए, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जो मैं और मुझ जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस वर्ल्ड बेटर अगेन। अब इतनी तो आपको भी खबर होगी कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही है। अब हालात पहले जैसे खराब नहीं है, तो मैं क्यों अभी तक यहां? क्योंकि आप में पहले वायरस के खदशात आ चुके हैं। अगर हमने आपको या किसी और को जिसके अंदर वायरस की खदशात हो, उसको बाहर आज़ाद कर दिया, बाहर छोड़ दिया, यहाँ से जाने दिया, तो आई थिंक अभी तक हमने जितना प्रोग्रेस किया वह सब बर्बाद हो जाएगा। सब समझता हूं मैं, पागल बना रहे हो। जबरदस्ती लोगों को क्वारंटीन में डाला ताकि मरीजों की तादाद बढ़े और गवर्नमेंट को इमदाद मिले। कोई वायरस शायद नहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम लोगों को क्यों नहीं हुआ वायरस है? तुम लोग क्यों नहीं मरे इससे? आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की डेथ हुई इस वायरस से? नहीं, क्यों? पहले मैं भी आपकी तरह ही सोचता था कि कुछ नहीं है, वायरस पागल बना रहे हैं, दिस एंड दैट। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को चोट का अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक उसे तो खुद तकलीफ ना हो। क्यों आपके किसी रिश्तेदार की मौत हुई इस वायरस से? मेरी अपनी बेटी की। हम एक रिश्तेदार से मिलने गए थे जो ट्रैवल करके आए थे, वहीं से उसको वायरस लग गया और कुछ दिन बाद उसको ले गया। वायरस बस एक बहाना था, उसका वक्त आ गया था। सॉरी, मैं नई बात में लग गया, आपकी रिपोर्ट फाइनलाइज। बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। फिर कोई ऐसा कुछ सब्र करें आप, जहीन के साथ साथ बेसब्र भी है। क्या हुआ? मुबारक। मैं मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। फिलहाल मेरा और आपका मजाक है भी नहीं, लेकिन आप क्वारंटीन से आजाद हैं, बेशक आप चेक कर लें। मुबारक। I'm sorry, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जानते जानते सब शुक्रिया। आपकी बेटी को बहुत अफसोस हुआ। दानियल साहब, जाने से पहले काफी बात। इस क्वारंटीन से बाहर आप निकलने से पहले अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लें कि आप बाहर जिस दुनिया में कदम रखेंगे, अब वो पहले जैसी दुनिया बिल्कुल भी नहीं है, और शायद अब कभी भी नहीं होगी। उस बात का मुझे क्वारंटीन में आते वक्त ही अंदाजा हो गया, तो आप बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।